हेलो बच्चों, आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट चैप्टर है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में, चार्ज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या उसका नेचर होता है, अगर वो रेस्ट पर होता है तो उसके अराउंड हमने फील्ड पढ़ा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना, जब वो रेस्ट पर था। सेकंड यूनिट हमने की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ था? चार्ज मोशन में आया। चार्ज मोशन में आया तो क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ, यही पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उसका इफेक्ट, यानी चार्ज जब मोशन में आया तो क्या हुआ? करंट फ्लो किया किसी भी वायर के अंदर से। तो जब उस वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें किसी मान लो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम एक मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते थे, है ना। डिफ्लेक्शन जिसमें होती थी, नॉर्थ साउथ लिखा होता था, डिफ्लेक्शन होती है कि कौन सी मतलब डिफ्लेक्ट कर जाती थी उसकी नीडल। तो अब हम क्या करेंगे, ये सपोज करो हमारे पास कोई वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आई, यानी चार्ज इन मोशन। तो अगर मैं यहाँ पर कोई मैग्नेटिक कंपास लेके आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, ये है हमारे पास मैग्नेटिक कंपास। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन होती है। और एक चीज़ और नोट की कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो जो डिफ्लेक्शन पहले हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर डिफ्लेक्शन होती है, यानी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसका मतलब, जब इसने मैग्नेटिक कंपास रखने पे डिफ्लेक्शन होती है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा है, दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई भी वायर है वो करंट कैरिंग वायर है, वो क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन होगी वो चेंज होगी बाई चेंज इन करंट। क्लियर है, ये बात हमें पता चल गई। एक चीज़ और हमने इसमें देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि सपोज करो अगर ये वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, इसके पास में कोई चार्ज रखती हूँ जो कि रेस्ट पर है, कोई चार्ज है जो कि रेस्ट पर है वो रखा, तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया। चलो जी, फिर मैंने क्या किया, वायर में से करंट पास कर रहा है, इसके पास एक चार्ज लेके आई जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज है। मान लो वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ले लो, वेरिएबल ले लो, अभी वो बात नहीं कर रहे हम, अगले चैप्टर्स में करेंगे उसकी बात। अभी क्या कह रहे हैं हम, चार्ज जो है वो मोशन में है। तो हमने क्या देखा, चार्ज जब मोशन में आया तो चार्ज के ऊपर क्या मतलब, चार्ज ऐसे मूव कर रहा था लेकिन जैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास आया तो इसने क्या कर दिया, अपना पाथ चेंज कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है, मूविंग चार्ज को जब आपने करंट कैरिंग वायर के पास रखा तो उस मूविंग चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे हो, चार्ज उसको भी रखते हो, तो भी उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स एक्ट करता है, क्यू ई फोर्स एक्ट किया था, है ना। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें इस यूनिट में पढ़ेंगे हम, मतलब उसके इफेक्ट को, जिस जैसे करंट की वजह से या मूविंग चार्ज की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, ये सब हम इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड से फैमिलियर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को जानेंगे, ठीक है, उसके लॉज जानेंगे कि उसके लॉ को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्या है, सबसे पहला आता है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है, या फिर इसमें आप कह सकते हो एक लॉ हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। वो क्या है, देखो हमने अभी क्या कहा कि अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा है, अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा है तो डिफ्लेक्शन जो है वो
होगी, मतलब पास में अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज करो हमने एक वायर ली, ये मेरे पास एक वायर है ए बी। अब क्या करना है, इसके अंदर से करंट पास करवाना है। जब करंट पास करवाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। साथ में मैं लगा रही हूँ रियोस्टेट एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए, ताकि हम ये भी चेक करें इसके अंदर कि अगर करंट चेंज कर रहे हैं हम, करंट चेंज करने पर भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ और की के साथ कनेक्ट कर दिया। यह हमारे पास वायर ए बी, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसके यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दी, ये क्या है का? मैग्नेटिक कंपास है, स्टैंड पे रख दिए लो। ठीक है, तो हम शुरू में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, की को क्लोज करने का मतलब क्या है, की को क्लोज करने का मतलब ये है कि करंट सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लोज सर्किट बन गया। तो करंट पास करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आई। ठीक है, क्या होगी, डिफ्लेक्शन ये। फिर हमने क्या किया, अब डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज। चलो पहले ये देखते हैं, जब करंट की डायरेक्शन होती है ए टू बी, यानी कौन सी डायरेक्शन बनी, ये एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन बनी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या देखा, जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साइड है, इसकी डिफ्लेक्शन होती है टूवर्ड्स, कैसे, ये है हमारे पास नॉर्थ, डायरेक्शन बता रही हूँ, ये है साउथ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगी वेस्ट, ये बनेगी ईस्ट। तो हमने क्या देखा, जब करंट जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन जो है वो किधर हो रही है, वेस्ट की तरफ। यानी अब क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्शन, ये हमारे पास नॉर्थ आ गया, ये हमारे पास साउथ आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है। करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी को उल्टा कर देते हैं। तो हमने क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव की लगा दी, वायर है हमारे पास ए बी, तो अब करंट क्लोज करने, की क्लोज करने पे करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, ये मैंने नीडल बना दी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल की किधर होती है, ईस्ट की तरफ, किधर होती है, ईस्ट की तरफ। यानी कैसे होगी डिफ्लेक्शन, ऐसे। ये तो हमारे पास हो गया सिंपल, हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, वहां से जो ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन ली है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक रूल बनाया गया, उस रूल को क्या कहते हैं हम, एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या कहते हैं उसको हम, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहते हैं, ये क्या कह रहा है कि सपोज करो कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, मैंने क्या कहा, कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, और स्विमिंग करते हुए सपोज करो, एज्यूम करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो स्विमिंग करते हुए जो करंट है वो फिट में से एंटर कर रहा है, हेड में से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। देखो एग्जांपल देती हूँ मैं दोबारा से, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा रूल सही है जो मैंने बोला है। मैंने कहा हेड फिट में से एंटर करेगा, हेड में से एग्जिट करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक पर्सन मानती हूँ, तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, ये तो उसके फिट हुए, ये उसका क्या हुआ, हेड हुआ, राइट। तो ये वाली पोजिशन आई, मैंने कहा डिफ्लेक्शन होगी नॉर्थ पोल के टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये तो डिफ्लेक्शन नॉर्थ हुई है।
अब क्या है, उल्टा करो, ऐसे है, ऐसे वाली पोजीशन आएगी। फिट में से एंटर किया, हेड में से एग्जिट किया। अब मेरा लेफ्ट साइड किधर है, इधर है, तो लेफ्ट साइड की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी नॉर्थ पोल में। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ वी इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग इन अ लेक, इन अ रिवर, कुछ भी लगा देना, देन इफ करंट एंटर्स थ्रू द फिट एंड एग्जिट थ्रू द हेड, देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द स्विमर। तो जो नॉर्थ पोल होगा वो स्विमर के लेफ्ट साइड की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल। क्लियर? अब ये हमें पता चल गया। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब कैसे फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे। पहले ये नोट कर लें, अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे स्टैटिक चार्ज, यानी जब चार्ज रेस्ट पर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वैसे ही हमने क्या कहा, चार्ज जब मोशन में होगा, मूव करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक, मैग्नेट के अराउंड तो होता ही है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, 10th में भी किया है हमने, हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे द स्पेस और द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर मैंने क्या कहा, चाहे मैग्नेट हो चाहे करंट कैरिंग वायर हो, ठीक है, उसके अराउंड स्पेस की बात कर रही हूँ। द स्पेस और द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर अप टू विच अ मैग्नेटिक इफेक्ट, अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कुछ भी लिख सकते हो। यानी जिस भाई मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर के अराउंड इतना स्पेस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, उस स्पेस और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब तुम कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, है ना, सेम वही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हो या फिर आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं उसको। तो कहीं पे अगर ये टर्म आए तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। क्लियर है? इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते थे ई से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम बी से। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन यानी एरो लगा देंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, किसी मूविंग चार्ज को रखेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। जितना फोर्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। चलो जी, मैंने मान लिया ये हमारे पास 3D में चलते हैं, एक्स वाई जेड ले लिया। भाई मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर, सॉरी चार्ज जो मूव कर रहा है वो कहाँ मूव कर रहा है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है
विद वेलोसिटी वी इधर, विद वेलोसिटी वी। मैंने क्या कहा, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वी के साथ चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब थीटा एंगल पे तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएगा, ये प्लस वन में पड़ा हुआ है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब ऐसे होता है तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी जिस प्लेन में बी और वी है उसके परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट, ऑब्जर्वेशन आती है हमारे पास, हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली क्या नोट करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का एफ, दैट डिपेंड्स ऑन, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, सबसे पहले हमने देखा वो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी क्यू। सेकंड हमने देखा वो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, यानी बी। फिर हमने देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है कंपोनेंट, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा, तो इसी डायरेक्शन में है जो मैग्नेटिक फील्ड है, है ना। तो ये तीन फैक्टर्स आए हमारे पास, जब ये आए, वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, वो किसके इक्वल है, वी साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन कंबाइन करूं, हमने क्या देखा, हमने देखा जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू वी साइन थीटा बी पर, क्यू वी साइन थीटा, या फिर आप कह सकते हो जब इसको ओपन करोगे या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ये क्या बना हमारे पास, ये बना मैग्नीट्यूड बी क्यू वी साइन थीटा, यही बना। और थीटा एंगल किस किस के बीच में है, वी और बी के, तो क्यू क्या आ जाएगा हमारा बाहर, साइन थीटा का मतलब क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्यू वी क्रॉस बी, तो ये आया हमारे पास। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ ना मैं, तो ये कौन सी है, स्केलर फॉर्म है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में अभी आगे लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये जो फोर्स आया है हमारे पास एफ, ये कौन सा फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर एक्टिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के सम को हमने क्या बोला, लॉरेंज फोर्स बोला। और ये वही है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, पहले नोट करें यहां तक। तो हमारे पास फोर्स कितना आया, हमारे पास फोर्स आया, अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, यही आया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया अभी हमें, अब हम करते हैं डायरेक्शन की, कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए रूल यूज़ करोगे आप, राइट हैंड रूल,
या फिर कह सकते हो आप राइट हैंड स्क्रू रूल। नेल वाला है वो, नेल नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, थोड़ा वो करके देख लेना, बना सिंपल सा बताती हूँ मैं। देखो आपने देखो देखा है यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे, वो सेम प्लेन में थे, है ना। सेम प्लेन इन द सेंस कि एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग था, एक वाई एक्सिस का, यानी 2D की बात कर रही हूँ मैं। और फोर्स क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। सिर्फ अब क्या फ़र्क रह गया, सिर्फ ये डिपेंड ये बात रह गई कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मान लो हमारे पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन मतलब 2D की बात कर रही हूँ मैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये लिया था हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही ली थी। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। चलो सीधा कंपोनेंट नहीं शो करते, वेलोसिटी बता देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्टिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड की डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर इसमें ही हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ये है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये यानी रहेगा तो वही परपेंडिकुलर टू प्लेन बट डायरेक्टेड इनवर्ड। इसमें क्या था, डायरेक्टेड आउटवर्ड, इसमें क्या था, डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी इसमें अपवर्ड है उसमें डाउनवर्ड है, क्लियर है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात आती है डेफिनेशन की मैग्नेटिक फील्ड पे, चले चलो जी अब बात करते हैं डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। वो तो सिंपल से हमने डिफाइन किया था ना, अभी हम प्रॉपर वे में कि फोर्स कितना है, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना लिया है हमने, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो सारा कुछ कितने एंगल पे रखा है वो सारा हम करेंगे, ठीक। अब देखो F क्या आया था हमारे पास, बी क्यू वी साइन थीटा, यही आया था, यही बना था हमारे पास। चलो जी देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं वेलोसिटी ले लेती हूँ यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज ले लेती हूँ 1 कूलम, थीटा ले लेती हूँ 90, यानी परपेंडिकुलर, थीटा 90 है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1। तो हमारे पास F किसके इक्वल आया, B। लो जी हो गया डिफाइन। अब तो सिंपल है, जब F B के इक्वल आ गया तो कैसे करोगे डिफाइन, आप डिफाइन करोगे मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। क्योंकि मैंने 1 कूलम लिया है तो क्या लेंगे हम, यूनिट चार्ज। दोबारा से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज, सॉरी बाय यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी कहा था मैंने, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर क्यों कहा मैंने, थीटा कितना है 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करते हैं डिफाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, कब, जब वो परपेंडिकुलर होते, यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। अब थीटा 90 है मैक्सिमम है,
थीटा 90 है तो एफ हमारे पास कितना आएगा, बी क्यू वी मैक्सिमम आएगा। चलो थीटा को ज़ीरो पुट करो, साइन ज़ीरो आएगा। थीटा को जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, फोर से नहीं एक्ट करेगा। अच्छा और कर लो, आपने लेना है अगर थीटा को 270 पुट कर लो, 270 पे साइन 270 की वैल्यू देखना कितनी आएगी, एक बार सॉल्व करके देखना है साइन 270 की वैल्यू माइनस में आती है या नहीं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आपको करके देखना है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को यही बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और अगर आप वेलोसिटी ले लेते हो, कितनी लोगे वेलोसिटी, अगर ज़ीरो है तो फोर्स कितना आएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से आप केस बना सकते हो कि अगर हमारे पास थीटा है 90, थीटा 90 का मतलब है साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 का मतलब है मैक्सिमम, फोर्स कितना एक्ट करेगा, मैक्सिमम एक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड केस हम ले सकते हैं, थीटा क्या है हमारे पास 270 है, साइन 270 180 प्लस कर लेंगे है ना 90, तो माइनस में जाएगा, हाँ माइनस क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम केस ले सकते हैं, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो फोर्स कितना आएगा, ज़ीरो। ये सारे केस अपने आप कर लेना, ठीक है, क्लियर है। अब एक और रूल है, इसको देखते हुए हमारे पास, ये तो हमने सिंपल सा किया था राइट हैंड रूल, एक रूल और आता है इसमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, आ जाओ। ये है हमारे पास फोर्स, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट। ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दोबारा से बता रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, ये है हमारे पास फोर्स, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, वो देख लेना कि वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर एक्ट करेगा, जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। वही बनी राइट हैंड रूल ही तो बना, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये क्या हो गया, थर्ड एक्सिस, हमारा थर्ड एक्सिस क्या हुआ, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों एक्सिस, इनके क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो वहाँ हमने क्या कहा था, यही तो कहा था कि जो प्लेन है वी और बी का, उसके परपेंडिकुलरली फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। सिर्फ फर्क कितना है, पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, बाकी जो कोई भी केस आ जाए आपको रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है, समझ आ गई। इसमें आप ये देख लेना, ऐसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं, मान लो ये है हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये थंब है हमारे पास फोर फिंगर, ये है मिडिल फिंगर। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी कंपोनेंट को, वी को, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है यूनिट्स की, नोट करें पहले, तो बात करते हैं हम यूनिट्स की। क्या बताया था हमने, एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, तो बी कितना है हमारे पास, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा। देखो ऐसे यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, 1 टेस्ला। ठीक है, किसके इक्वल बनेगी, 1 न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड बनेगी इसकी। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 न्यूटन 1 कूलम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, 1 न्यूटन सेकंड ओवर 1 कूलम मीटर, यानी 1 न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर। ठीक है, और इसका देखो क्या बनेगा, करंट किसके इक्वल होता है, करंट याद करो किसके इक्वल होगा, कूलम पर सेकंड, बट ये क्या है, सेकंड पर कूलम रिवर्स है, तो क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्योंकि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड, तो ये यूनिट भी बन सकती है। इसकी एक यूनिट और होती है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर, ये यूनिट भी है। तो चलो डिफाइन करके देखें क्या बनेगा। सपोज करो मुझे टेस्ला डिफाइन करना है। अब दोबारा से चलते हैं, चार्ज ले लिया मैंने 1 कूलम, वेलोसिटी है उसकी 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा है 90 डिग्री, तो फोर्स कितना आएगा 1 न्यूटन सपोज करो एक्ट कर रहा है, तो बी कितना बनेगा 1 टेस्ला। जब सारे 1 1 है तो फोर्स बी 1 है तो बी कितना आएगा 1 टेस्ला। तो कैसे करेंगे डिफाइन, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैंने कहा था ना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, तो मर्जी आपकी कुछ भी बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड, इज सेट टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम चार्ज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। या भाई 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता हुआ 1 न्यूटन फोर्स लगाता है तो वहाँ पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 टेस्ला। जो मैथमेटिकल लिखा हुआ है उसको मैंने इंग्लिश में बोल दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम चार्ज मूविंग यूनिट वेलोसिटी विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, यही बोला हमने, तो क्या हो जाएगा 1 टेस्ला। तो ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड आज हमने डिटेल में पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, यूनिट क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, सारा कुछ। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइट सेवरेट लॉ। वैसे बाइट बोलते हो टी साइलेंट होता है, लेकिन हम शुरू से यही बोलते आ रहे हैं तो यही बोल रहे हैं, वैसे होता है बाय सेवरेट। तो बाय सेवरेट लॉ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना करना, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।